33 कार्यक्रम अभी तक प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश के हमारे अलग अलग स्थानों पर हो चुके हैं और 75 का हमारा टारगेट है। और अब पिछले कल से अनुराग ठाकुर जी भी इसमें शरीक हो रहे हैं और पिछले कल दो उनने किए, आज भी उनने दो करने हैं और इसलिए आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी के साथ हम ये कार्यक्रम पूरे करने वाले हैं। सारे रास्ते उनके लिए खुले हैं, जहाँ भी जाना जाए। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है उन लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है और ये सरकार का दायित्व बनता है कि अपना पक्ष और जनता को मिलने के लिए उनके सुविधाओं को दृष्टि से हज़ारों करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। उन सारी चीज़ों के लिए जनता के प्रतिनिधि के नाते उस काम को पूरा करने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। चाहे हाई कोर्ट जाना चाहे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता इस सारी चीज़ से। लेकिन इतने मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि ये बौखलाहट है। कांग्रेस पूरे देश भर में जिस तरह से जिस दौर में से गुजर रही है, आटे को भी लीटर के हिसाब से वो माप रही है, तो ये अंदाज़ा लग सकता है कि नेतृत्व की हालत क्या है उनकी। और हिमाचल प्रदेश में जहां उनके नेतृत्व की हालत है वो आपके सामने है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कांग्रेस का बहुत बुरा दौर चल रहा है और इस बुरे दौर में कांग्रेस को समझना चाहिए। सर, राजनाथ सिंह जी का प्रवास है और भी तो बड़े लीडर अभी हिमाचल में आएंगे। सर, एक कांग्रेस के लीडर को आप लेकर आए थे 1.5 साल पहले, वो फिर से वापस जो है वो कांग्रेस में चले गए, उनको क्या? चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ बड़े नेता हमारे पास आ गए। सर, एक जवान है यहाँ पे पीटीसी ड्रो में ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको बुलेट लगी है और काफ़ी क्रिटिकल हालत है, कह रहा है कि एयरलिफ्ट की ज़रूरत। सर, सरकार क्या करेगी? सर देखिए, इस तरह की जानकारी हमको एयरलिफ्ट करने की वाली बात तो नहीं है, लेकिन उनको वो कहा गया मुझे कि वो स्टेबल है। मैं लगातार उनकी वो रिपोर्ट ले रहा हूँ, पिछले कल भी बात हुई आज भी, और जानकारी मिली है कि वो स्टेबल है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जो भी मदद करनी होगी करेंगे उसकी जीवन को बचाने के लिए।